बड़ी खबर उत्तरकाशी से, ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मिला। डॉक्टरों ने हायर सेंटर देहरादून रेफर किया। कोरोना वायरस से ठीक होकर लौटा था घर, तो ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मिला। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, डॉक्टर्स ने हायर सेंटर देहरादून रेफर किया। कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटा था, तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर, ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मिला। डॉक्टर ने हायर सेंटर देहरादून रेफर किया है। कोरोना वायरस से ठीक होकर घर मरीज लौटा था। बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी बलवीर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हायर सेंटर डॉक्टरों ने रेफर किया है मरीज को, ब्लैक फंगस का ये केस बताया जा रहा है, डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल राहुल, जो डॉक्टरों से भाई बात हुई है, डॉक्टरों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही ये मरीज स्वस्थ होके अपने घर को लौटा था और अचानक ही जब अस्पताल में आया और उसने इतनी कहानी बताई कि कुछ दिन पहले ही कोरोना हुआ था और स्वस्थ होके ये वापस लौट रहा था और आंखों में सूजन है मरीज की, जिसके चलते आनंद फानंद में जो CMS है उन्होंने लक्षण ब्लैक फंगस के जब देखे तो रेफर किया है मैक्स के बाद, और मैक्स के बाद जो अभी बताया जा रहा है कि मरीज को एम्स में भेज दिया गया है और इसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि ब्लैक फंगस है कि किसी और वजह से हो रहा है। पर जिस तरह से सीमांत तहसील में लक्षण देखे गए हैं तो कहीं ना कहीं दहशत देखी जा रही है और जो स्वास्थ्य विभाग है उनका कहना है कि इस समय खान पान पे अपनी जो व्यवस्था है ठीक रखें और जो ये ब्लैक फंगस है ये कोरोना मरीज के अलावा जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको भी अपने निशाने पर ले सकता है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है, जिस तरह से छोटा जनपद है और मामला जिस तरह से आया है संदिग्ध मामला, तो स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी इससे बढ़ सकती है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए बलवीर। तो स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई जिस तरीके से ब्लैक फंगस का मामला उत्तरकाशी में, हालांकि डॉक्टरों ने हायर सेंटर देहरादून रेफर मरीज को किया है।